मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर। आज ही हमारे पास लेनोवो का मॉडल, लेनोवो का एक लैपटॉप आया हुआ है जिसका मॉडल हम आपको बताते हैं हर वीडियो में कि मॉडल हम कहां से देखते हैं। इस लैपटॉप का मॉडल बॉटम पे यहां पे लिखा रहता है लेनोवो G5070। ये मॉडल इसका है G5070, हम इसको अपने लैंग्वेज में बोलते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम आप देखोगे यहाँ पे जब हम इसको खोलते हैं तो ये खुल जाता है, पूरा लैपटॉप बाहर निकल जाता है। इसका बेस टूटा हुआ है, यहाँ पे इसका बेस होता है तो ये इसका बेस टूट गया है। यदि हम इस टाइम पे ठीक करा लेते तो हमारा बेस ठीक रह जाता, हमें बेस चेंज कराना नहीं पड़ता। अभी ये क्या हो गया कि इन्होंने यूज ये ऐसे ही बिना, जब ये धीरे धीरे टूटने लगा तो इसको ऐसे ही यूज करते रहे और ये हमारा बेस भी टूट गया। जब हमारी बॉडी में आवाज आनी शुरू हो जाए या हमें ऐसा लगे कि लूज हो रहा है कुछ लैपटॉप में बॉडी का ये अपर हिस्सा, तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारी कमी कहां पे आ रही है। इस चीज को यदि हम पहले ही गौर कर लेते हैं तो कम खर्चे में ठीक हो जाता है, यदि हम नहीं ध्यान देते तो फिर हमारा मसनल ये चीजें हमारे सामने आ जाती है जो कि अब टूट के ही ठीक होगी, टूट गई है तो चेंज करा के ही ठीक होगी, ये रिपेयर नहीं हो पाएगी। इसमें बहुत सी प्रॉब्लम रहती है इंच में, जब हमारा इंच लूज हो जाए या हमारा इंच का कोई नीचे का इसका स्क्रू हो जाए तो ये इसमें जब ये प्रॉब्लम करनी शुरू करता है यूजर क्या करते हैं इसको ध्यान नहीं देते हैं। तो ये ध्यान देने वाली चीज है कि हमें हिंच ना टूटे हमारा या हमारी बॉडी ना टूटे, इसके लिए हम क्या करें तो हम आपको बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले बेस का स्क्रू, ये यहाँ पे एक जो हमारा बेस है इसका स्क्रू टाइट कराते रहे टाइम टाइम पे। यहाँ पे जो टॉप पैनल में स्क्रू होते हैं ये भी हम टाइम टाइम पे ठीक कराते रहे। ये मशीन का हिंच जब लूज हो जाए तो कहीं किसी शॉप पे जाके इसको टाइट करा ले, यानी अपने लैपटॉप के स्क्रू टाइट कराते रहे तो हम इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।